आईपीएल के 12वें सीजन का धमाकेदार आगाज हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने आईपीएल के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल सीजन 12 के उद्घाटन मैच में सुरेश रैना ने 15 रन बनाते ही आईपीएल में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करवा लिया है। इस मैच में सुरेश रैना 19 रन बनाकर आउट हुए। दरअसल सुरेश रैना ने आईपीएल के इतिहास में सबसे पहले 5000 रनों का आंकड़ा छू लिया है। सुरेश रैना ने आईपीएल में सर्वाधिक 173 पारियां खेलकर 34.27 की औसत से 5004 रन बना लिए हैं, जिसमें एक शतक और 35 अर्धशतक शामिल है। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 100 रन रहा। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज नंबर एक सुरेश रैना 173 पारी 5004 रन एक शतक 35 अर्धशतक। नंबर दो विराट कोहली 156 पारी 4954 रन चार शतक 34 अर्धशतक। नंबर तीन रोहित शर्मा 168 पारी 4493 रन एक शतक 34 अर्धशतक। नंबर चार गौतम गंभीर 152 पारी 4217 रन 36 अर्धशतक। सुरेश रैना के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली भी इस रिकॉर्ड को बनाने की दहलीज पर हैं। एक सीजन में सबसे ज्यादा 973 रन बनाने का रिकॉर्ड रखने वाली विराट कोहली इस बार 46 रन बनाते ही आईपीएल में 5000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे। हालांकि इस मैच में उनके हाथ से ये मौका निकल गया। इतना ही नहीं, 30 साल के विराट कोहली अगर इस बार अर्धशतक जमाने में कामयाब रहे तो वो डेविड वार्नर की आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वार्नर ने आईपीएल में अब तक सर्वाधिक 39 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, हालांकि इसमें शतक भी शामिल है। वहीं विराट कोहली ने आईपीएल में 38 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं।